गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स 10:15 एंड मैं अपना प्रोटीन शेक पी रहा हूँ। यस, मैं अपने घर से लाया था, सो बहुत मज़ा आ रहा है खाली पेट पीने में। फर्स्ट टाइम सुबह सुबह पी रहा हूँ। जस्ट वर्कआउट किया, आपने क्लिप्स देखी, मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया बिकॉज दैट बालकनी इज सो कॉम्पैक्ट। सो या अभी वर्कआउट किया जस्ट नॉर्मल एंड आई एम हैविंग माई प्रोटीन शेक एंड विल लीव एंड आई विल शो यू कि आज व्हाट आई एम गोना राइड। ओके, बाय द वे आई फॉरगॉट टू वेलकम यू गाइज। सो ऑल राइट, हे गाइज, व्हाट्स अप, आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन। वेलकम टू माई न्यू व्लॉग, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। एंड या टुडे डेट इज, आज क्या डेट है, आज 12th है। कल 11th था, तो कल ड्राई डे था, तो आज 12th है। सो या ड्राई डे की वजह से मुझे डेट याद है। एंड आज हम जा रहे हैं टूवर्ड साउथ साइड। इट्स 10:30 एंड ये लड़की अब तक रेडी हो रही है बिकॉज मेरा निकलने का प्लान था नियर अबाउट 9:30 to 9, बट लेट होता है ऑब्वियसली, बट अब तक ये रेडी हो रही है। सो वी आर गोइंग टू साउथ एंड आई एम सो एक्साइटेड। क्यों आपको मालूम पड़ेगा वो बाद में। सो एंड आज आई एम वेयरिंग दिस बेसिक ग्रे टी शर्ट एंड दिस बंदाना एंड दिस अगेन बेसिक ब्लू शॉर्ट्स। सो यार लेट्स गो, आई विल बी डायरेक्टली, मैं निकलता हूँ। खाली मुझे थोड़ा सामान पैक करना है, लाइक पावर बैंक एंड ऑल, तो वो एक बार पैक हो जाए दिन में निकलता हूँ। ऑल राइट, सो गाइस फाइनली वी आर लिविंग फ्रॉम अवर होटल एंड वी आर गोइंग टूवर्ड साउथ। एज आई सेड एग्जैक्टली वी आर गोइंग नियर कोलवा और पैलोलियम बीच। आई डोंट नो कॉज जब हम जाएंगे वो बाद में डिसाइड होएगा। एंड येस, अभी आती है मेन बात डैट आज मैं क्या चलाने वाला हूँ। सो आई एम गोना राइड टुडे, जो आपने कल ब्लॉग में देखा था थार, उप्स कोई थार नहीं है, सॉरी, बट मैं एक्टिवा भी आज ड्राइव नहीं करूँगा। सो मैं ड्राइव कर रहा हूँ आज दिस जस्ट हैव अ लुक। यस, दिस इज आज का मेरा सवारी, दिस क्लासिक 350। एंड ये मैं प्रैंक नहीं कर रहा हूँ, हेयर आर द कीस। सो आज ये सुबह 8:30 मुझे मिली। एक्चुअली मेरा ये प्लान काफ़ी टाइम से था कि मुझे यहाँ पे आके बुलेट चलानी है एंड मुझे कहीं पे राइड पे जाना है। सो या ये मुझे आज 8:30 मिल गई एंड वी आर गोइंग एंड युक्ता इज़ बिजी। सो आर यू एक्साइटेड फॉर टुडे? पहला फोटो उसने ही लिया है बाइक के साथ एंड ये मेरे भी फोटोज अच्छे से नहीं निकाल रही है, तो मैंने थोड़ा चिल्लाया। सो यू नो शी इज़ अ बिट अपसेट, बट इट्स फाइन, ट्रैवलिंग में ऐसा होता रहता है। अभी मैं को लिटरली बोलूँ बिल्कुल भी सब्र नहीं है, मुझे जस्ट बैठना है और जाना है, बट इसको लगी है भूख। सो वो विल प्रोबेबली स्टॉप समवेयर टू हैव अवर ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैंने तो प्रोटीन शेक पी लिया था, इसको लगी है भूख, तो ऑब्वियसली अपने साथ वाले को भी देखना होता है। बट ऐसे ये लोग नहीं समझते हैं कि फ़ोटोज़ दूसरों का भी निकालना होता है। वो लेट इट बी, शी इज़ अ वेरी गुड फोटोग्राफर, बट कभी कभी इसका अगर मूड फकअप होता है तो वो उतनी ही वर्स हो जाती है। अभी नाउ लेट्स राइट दिस बेबी आउट एंड देखते हैं, आई होप कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड एक मेन बात, ये गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो है वाइट नंबर प्लेट। दैट मीन्स इफ़ यू आर इन गोवा एंड इफ़ यू आर रेंटिंग अ व्हीकल, तो आपको नंबर प्लेट मिलेगा येल्लो कलर का, लाइक ब्लैक एंड येल्लो में। सो उससे इट मीन्स दैट यू आर टूरिस्ट, तो वहाँ पे आपको कैसा लोग रुकेंगे। जैसे कल कॉप्स कॉट मी एंड उसने लाइसेंस वगैरह पूछा, सो फाइन, बट इफ़ यू हैव वाइट नंबर प्लेट तो कोई आपको कुछ पूछेगा भी नहीं, क्योंकि जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको ऐसा होता है। सो लेट्स गो एंड लेट्स राइड दिस बेबी। आज बहुत मज़ा आएगा, चलो लेट्स गो। बैठो, फोटो निकाल रही है भाई, मूड में आ गई। ऑल राइट, सो गाइस आधा हम लोग आ गए हैं थोड़ा आगे, नाउ वी आर कनेक्टिंग टू मेन हाईवे एंड इसको चलाने में बहुत मज़ा आ रही है। अभी हम इसलिए रुके हैं कॉज मैं वो एक अपना हेड स्ट्रैप सेटअप कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आगे ये ब्रिज है एंड ये ब्रिज का तो बनता है ना व्यू, तो बनता है ना व्यू, इतना दूर आए हैं बाइक ले कर तो कुछ तो फ़ायदा उठाएँ। सो आप देखो अभी ये व्यूज़ एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको व्यूज़ कैसे लगे। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, मेरे पास माउंट नहीं है हेलमेट का, मैं ये हेड स्ट्रैप लगा के इसके ऊपर हेलमेट पहन के नीचे मास्क पहन के, इट्स सो यू नो इट्स फाइन, एवरीथिंग इज़ बोथ इट एट द एंड। तो आप देखो व्यूज़ एंड डू लेट मी नो कि कैसे व्यूज़ हैं। 3, 2, 1।
ऑल राइट सो गाइस अभी हम लोगों ने 1 आवर कंप्लीट कर दिया है एंड वी आर स्टिल 1 आवर अवे फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन एंड वी आर गोइंग टू कोला बीच राइट नाउ. इट्स 11:56 एंड वी आर हियर फॉर दिस जूस. दिस वॉज मच नीडेड बिकॉज हम लोग को बहुत प्यास लगी थी एंड नॉन स्टॉप हम लोगों ने ड्राइव किया. आई मीन मैंने ड्राइव किया. ये पीछे बैठी है, शी इज हेल्पिंग मी विद द मैप्स एंड ऑल. कितना कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है एंड दिस बीच इज सो अमेजिंग. सो या वी आर इन मारगांव राइट नाउ एंड मैंने हैशटैग निकाल दिया कॉज मुझे ये नीचे करना था विंडशील्ड कॉज बहुत ही विंड आ रहा था और अगर मैं गोप्रो पहनूंगा तो ये नीचे नहीं होएगा ऑब्वियसली. तो मैंने निकाल दिया वो. तो अभी तक बाइक पे ही बैठे हैं, पी रहे हैं. दिस वॉज मच नीडेड. तो चलते हैं आगे एंड देखते हैं कि और कितना टाइम लगता है हमें. All right guys, it's exactly 1:10 and we finally reached here and don't ask me rasta bahut hi ajeeb rasta tha like puri off roading thi like kya bolu main and finally hum aa gaye beech mein to literally meri phat gayi thi kyunki gaadi upar chadi nahi rahi thi then somehow chad gayi wo upar. To yukta was actually so ekdam charged ho gayi thi ki ye jagah agar achhi nahi hui to tu gaya. इतना दूर हम आए हैं, यू नो वी केम हेयर ऑल द वे फ्रॉम नॉर्थ गोवा सालीगांव लाइक मुंबई टू पुणे यू कैन से दैट. बट रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था लाइक हमेशा एंड में मैं से पूछ रहा हूँ कितना टाइम है. 45 मिनट्स देन आफ्टर हाफ आवर कितना टाइम है? 30 मिनट्स. आई वॉज लाइक ब्रो कितना दूर है ये एंड अभी हम यहाँ पर आ गए हैं. तो आई एम सो टायर्ड राइट नाउ कम्प्लीटली एकदम बहुत थका चुका हूँ एंड यहाँ पे विल यू नो गो टू द बीच. यहाँ पे हेयर वॉशरूम सो लेट्स सी हेयर वी आर. देखते हैं कैसा है ये. आई लेट यू नो कि इज इट वर्थ इट एंड ऑल. सॉरी या सो एंड इतने लोग भी नहीं थे यहाँ पे तो एकदम हम लोग की फटके 36 हो गई थी. वी आर इन फ्रंट ऑफ द बीच राइट नाउ. आई शो यू हाउ इट इज. Guys, look, it's so clear. Lagoon. And look at the view. It feels like I am in somewhere in Andaman or somewhere. Cause पीछे आप देख रहे हो फ्रेम. यहाँ पे लगून, यहाँ पे बीच. बहुत मजा आएगा. अभी आई एम गोना वी गोना गो देयर एंड वी ईट समथिंग फर्स्ट राइट. वी विल हैव अ ड्रिंक एंड वी विल कम हेयर अगेन. एंड यहाँ पे दे हैव दिस लाइक रूम्स अवेलेबल है लाइक विच इज़ नेक्स्ट टू दिस ओनली. सो चेंज करते हैं फिर आते हैं राइट. सी या ओके. सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोर माई फेस एंड हम यहाँ पे आ गए हैं. वी आर चिलिंग एट ब्लू लगून कोला बीच शैक और रेस्टोरेंट आप जो भी बोलो. इट्स जस्ट इन बीच ऑनली लाइक ये बीच पे आई गेस एक ही रेस्टोरेंट है या एक ही है एंड यहाँ पे वाइब बहुत अच्छी है. एकदम शांति है. आवाज़ आ रहा है बीच का. आई एम हैविंग माय ड्रिंक एज यू सॉ. इक्ता इज हैविंग हर कोक एंड वी आर प्लानिंग टू ऑर्डर समथिंग. शी इज सो कन्फ्यूज बिटवीन सो मेनी थिंग्स. समटाइम्स शी वॉन्ट टू स्पेगेटी, समटाइम्स शी वॉन्ट चाइनीज, समटाइम्स शी वॉन्ट ब्रेकफास्ट. एंड अच्छा है यार. आई वुड से इफ यू आर कमिंग and if you have time and if you love to write so definitely come here. yahan pe view bahut acha hai. I'll leave the link in the description box below, you can check out. yeah they don't have network like yahan pe network bilkul bhi nahi hai but ek time wo acha bhi hai. who wants phone every time? aap aao photos click karo. now hum thode tired hain. we'll go, we'll click some photos. I'll leave the link
इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो सोचा क्या खाना है? देखो अभी चाउमीन भी आ गया. ठीक है तो हम ये डिबेट करते हैं कि चाउमीन खाए कि क्या खाएं. एंड आई विल शो यू. अच्छा था. लाइक मैं आपको बताता हूँ इन डिटेल. अभी जस्ट टेस्टर गए हैं तो आई एम टायर्ड. एंड अभी हम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं बट यहाँ से निकलने के लिए मुझे ड्राइव करना है. एंड यहाँ का रास्ता थोड़ा एडवेंचरस है. सो मैं अभी हैश टैग लगाता हूँ एंड आपको रास्ता दिखाता हूँ कि कैसा है. सॉरी मैं हाफ रहा हूँ. रास्ता देखो. ऑल राइट गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं इन मिडल ऑफ द स्ट्रीट्स. हम लोग यहाँ पे जस्ट लेस ले रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू अवर होटल अगेन बिकॉज गोप्रो इज़ डेड. बैटरी ख़त्म हो गई उसकी कम्प्लीटली एंड मेरे फ़ोन में भी समथिंग 18% पड़ी है. सो बैटरीज ख़त्म हो गई है. इनफैक्ट हमारी बैटरी भी खत्म, मेरी ख़त्म हो गई, इसकी भी ख़त्म हो गई. तो वी विल गो एंड एक रेस्ट, थोड़ा रेस्ट करके फिर वापस देखते हैं कहाँ जाएंगे. सो दिस इज़ टू अपडेट यू दैट मैं डायरेक्टली घर जा रहा हूँ अभी. एंड या दैट्स इट. अगेन इग्नोर माय हेयर.